Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. So I am back with a new video for you all. आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 283 स्क्वायर यार्ड्स का हाउस जो कि सिचुएटेड है सेक्टर 125 सनी एनक्लेव में. इसकी डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो ये साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है. एंड द डिमेंशंस ऑफ द हाउस आर 34 फीट बाय 75 फीट. आप रोड देख सकते हो घर के बाहर की. दिस इज़ अ 35 फीट वाइड रोड और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी. रीज़न बीइंग यहाँ पे आसपास बहुत सारे पार्क्स हैं. दिस वन दैट इज़ कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन इज़ द क्लोजेस्ट टू दिस हाउस. ये सिर्फ यहाँ से 20 to 30 स्टेप्स की दूरी पे है. और अगर हम बात करेंगे एक कंटेम्परेरी और मॉडर्न हाउस की तो इसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. आप अभी थोड़ी देर में देखोगे. उससे पहले यू कैन टेक अ लुक एट दिस पार्क जो कि वन ऑफ द मेन USPs है इस प्लॉट की या फिर इस बिल्टअप घर की. अगर हम शुरू करेंगे एक्सटीरियर से तो इस घर में एक्सटीरियर से ही आपको एक बहुत अच्छे टचेस दिखने को मिल जाएंगे जो कि यूजुअली हम बाकी सारे घरों में नहीं देखते हैं. लुकिंग एट द डिज़ाइन ऑफ दिस फ्रंट गेट इट इट्सेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल आर्टिफैक्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया गया है गेट. उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो फ्रंट का जाली डोर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 11 फीट टॉल. एंड दिस इज़ द मेन डोर ऑफ द हाउस. ये भी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टॉल है ये हाइट में. दिस इज़ 11 फीट टॉल. एंड नाउ लेट्स टेक अ वर्चुअल टूर ऑफ माय फेवरेट हाउस इन सनी एनक्लेव. एज सून एज यू विल स्टेप इन टू द हाउस आप नोटिस करोगे कि आपका फॉयर एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है विद दिस प्रोफाइल लाइटिंग. एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन एंट्रेंस देर इज़ द फॉर्मल ड्राॅइंग रूम एरिया. यहाँ पे आप विंडोज़ जितनी भी देख रहे हो ये सारी आपकी UPVC एलुमिनियम प्रोफाइल विंडोज़ हैं. एंड यू कैन सी जो आपका फॉल सीलिंग है वहाँ पे आप मैग्नेटिक ट्रैक्स प्लस ट्रैक लाइट्स देख रहे हो जो कि आपको किसी भी घर में देखने को नहीं मिला होगा सनी एनक्लेव में. द डिज़ाइनिंग ऑफ द फॉल सीलिंग एंड द वे द ट्रैक लाइट्स हैज़ बीन सेटअप ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड लुक दे रहे हैं घर में. और फॉयर के राइट साइड में आपके पास आ जाता है आपका बेडरूम. यहाँ पे भी किसी भी तरह की कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है. इनफैक्ट ये घर जो है ये सारे बेड बैग्स एंड बेड्स के साथ आ रहा है आपका. सो यू जस्ट हैव टू पिक अप योर स्टफ एंड यू हैव टू मूव इनटू दिस हाउस क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन वेल केयर ऑफ. अगेन यू कैन सी यहाँ पे भी आपके पास फॉल सीलिंग में ट्रैक लाइट्स हैं और ये ह्यूज विंडोज़ हैं जो आपकी ये इस घर को और इस रूम को और ज़्यादा एयरी बना रहा है बिकॉज इसकी सिल हाइट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है. सो ये बेसिकली बॉटम टू टॉप है आपकी जो विंडो है. एंड दिस इज़ अ थ्री ट्रैक विंडो अ प्रॉपर थ्री ट्रैक विंडो जिसमें आपको एक मेश डोर भी मिलेगा. सो दिस इज़ दी एली. उससे पहले आप देख सकते हो आपका ये ड्रेसिंग एरिया विच इज़ फिनिश्ड इन वुडन माइका. एंड दिस इज़ दी एली जहाँ पे आपके पास दोनों साइड कबर्ड्स आ जाते हैं. सो देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज. एंड दिस इज़ द बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर. द टाइल वर्क दैट हैज़ बीन यूज्ड इन दिस हाउस इसमें सारा ही जो सामान है वो प्रीमियम यूज़ किया गया है. कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉस्ट कटिंग वाली हो या फिर जहाँ से आपको लगे कि कोई कॉर्नर्स कट करने की कोशिश की गई है. दिस इज़ द डक्ट फॉर नेचुरल लाइट एंड द वेंटिलेशन ऑफ एयर. सो बेसिकली डक्ट्स आर यूज फॉर द वेंटिलेशन ऑफ एयर एंड लाइट. उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी डक्ट दी गई है. और इस बाथरूम की सबसे प्लस पॉइंट ये भी था कि ये आपके गेस्ट के लिए भी यूज़ हो जाएगा. दिस इज़ अ कॉमन वॉशरूम एज वेल. सो एज सून एज यू विल एग्जिट द बाथरूम यू वॉक इन टू योर फैमिली लाउंज एरिया. ये आपका
डाइनिंग कम फैमिली लाउंज एरिया है। उसी के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो कि पूजा रूम है आपके पास, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे उसको। सो वंस वी स्टेप इनसाइड द पूजा हाउस, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। यू विल फील दैट ऑरा इनसाइड हेयर, द एफर्ट्स दैट हैज़ बीन पुट अप इन टू मेकिंग दिस हाउस, और इस घर को फिनिश करने में जो भी एफर्ट्स लगे हैं, वो आप जब इस घर को इन रियलिटी देखने आओगे तो आप रियलाइज़ करोगे दैट येस दिस हाउस हैज़ दैट फीलिंग, कि इसमें सारा अपना मेहनत दी गई है। सो द पीपल हु हैव एक्चुअली वर्कड ऑन दिस हाउस एंड द बिल्डर्स, दे आर एक्सट्रीमली ग्रेट पीपल। ये आपका शैंडलियर आ गया। ये घर जो है काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। ग्राउंड फ्लोर इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू द फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि वहाँ पे भी आप देख रहे हो आपके पास एक एली है जहाँ पे आप ऊपर खड़े होकर नीचे देख सकते हो आराम से। यू कैन सी थ्रू ऑल द एरियाज। द होल किचन हैज़ बिन डूको पेंटेड। ये भी यहाँ पे इसको कवर इसलिए किया गया है क्योंकि पेंट के फाइनल टचेस देने होते हैं, तो किचन डिस्ट्रॉय ना हो उस चीज़ के लिए इसको वी हैव कवर्ड इट अप। अदरवाइज द किचन इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। देयर इज डुअल सिंक राइट हियर, देयर इज अ प्रोविजन फॉर माइक्रोवेव एंड ओटीजी एज वेल, टॉल पैंट्रीज, इनफ अमाउंट ऑफ स्टोरेज एरियाज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्टोरेज एट ऑल। दिस इज़ द बैकयार्ड, यहाँ पे भी आपके पास एक वेट किचन मिल जाती है। ऑल्सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज बॉक्सेज हेयर एज वेल, तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ आप बैकयार्ड को काफ़ी अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट एज योर वॉशिंग एरिया, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज योर बारबेक्यू एरिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। So this is it about the kitchen. Now let's check bedroom number 2 on the ground floor. ये आपका ground floor का master bedroom रहेगा। So as soon as you'll walk into the bedroom, you'll realize कि यहाँ पे भी आपके पास एक बहुत modern bed और एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड बेड बैक मिल रही है, विद अ वेरी लिनियर डिज़ाइन ऑफ फॉल्स सीलिंग एंड दी सीओबी लाइट्स आर मेकिंग द रूम लुक इवन मोर नाइस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे भी इसको डुको पेंट किया गया है जो आपकी बेड बैक है। सो कहीं पे भी कुछ किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग आपको फील नहीं होगी इस घर में। स्टोरेज की बात करें, मटीरियल्स जो यूज़ करे गए हैं इस घर में उसकी बात करें, everything is top notch. Anybody who's going to purchase this house is definitely going to thank me and my team for sure. क्योंकि ये one of those houses हैं जिसमें कभी कोई आपको complaint आने ही नहीं वाली. We can vouch for this house for sure. Again you can see the way these tiles has been put up is just amazing. This is going to be your step in wardrobe. यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छे खासे storage option मिल जाएंगे because there is two cupboards जो कि full height हैं। उसके साथ ही साथ आपको एक dressing area भी मिल रहा है, so it's a bonus. Now let's check the first floor. फर्स्ट फ्लोर जाने से पहले आप देख सकते हो कि जो स्टेयर्स का डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न है। द साइड रेलिंग एज वेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये जो ग्लास के सेक्शंस हैं वो काफ़ी बड़े यूज़ करे गए हैं ताकि उसमें कट ना दिखे, और उससे ये स्टेयर केस का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड आपको नज़र आएगा जब आप इसको देखने आएंगे। एंड एज सून एज यू
वॉक अप टू द फर्स्ट फ्लोर आप रियलाइज़ करेंगे जो शैंडलियर आप नीचे से देख रहे थे वो ऊपर से और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे मल्टीपर्पज़ रूम रहेगा, इसको अगर आप चाहो तो टीवी रूम भी बना सकते हो, यू कैन जस्ट पुट अ स्नूकर टेबल हियर एज़ वेल। उसके अलावा इसको गेस्ट बेडरूम बनाना है तो आप गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हो। यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो सिल हाइट वाली विंडोज़ मिल जाती हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गेटिंग अ वेरी नाइस फॉल सीलिंग डिज़ाइन हेयर एज वेल विद अ ह्यूज विंडो दैट लुक्स डाउन इन टू द फर्स्ट फ्लोर। फ्लोरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम यूज़ करी गई है, 32 inches by 64 inches। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत वेल कनेक्टेड हैं इस घर से। इवन इफ यू आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू द ग्राउंड फ्लोर। नाउ लेट्स चेक आउट द बालकनी ऑन द फर्स्ट फ्लोर। एज सून एज यू विल स्टेप फुट इन टू द बैल्कनी यू विल रियलाइज़ कि इस घर के आसपास के जितने भी सारे घर हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेहतर ही बने हुए हैं। सारे ही घर इस गली में रादर इस जो लेन में है आमने सामने सब नए घर बने हैं और सारे आज की डेट में जितने भी घर बन रहे हैं आप सब लोग समझदार हो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एलिवेशंस एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा है। So coming back to our main focus on this house, I beg your pardon, bringing back our focus on this house, we walk into this another bedroom, जहाँ पे यहाँ पे भी आपके पास profile light plus track light का use किया गया है। And there's these huge windows जिससे कि कमरा पूरा आपका lit up रहेगा पूरे day time में। And you can check this out. Beautiful veneer का use करके इसको आपके TV panel को बहुत ज़्यादा grand बना दिया है यहाँ पे, क्योंकि veneer का use वैसे भी काफ़ी जगह होता है but it's not used in this manner. This is bathroom number 3 of the house. यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक थीम का टाइल वर्क करा गया है। Now let's check out bedroom number 4 which is the kids bedroom. इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे vibrant colors के साथ design किया गया है। So if you have kids at your place, they're definitely going to love this room. क्योंकि इसका theme जो है वो बहुत ज़्यादा playful रखा गया है। आप bed back से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सनमाइका का use किया गया है वो आपके किड्स को ज़रूर पसंद आएगा। एंड देयर इज़ अ कंप्यूटर टेबल कम स्टडी टेबल देयर एज वेल। और ये आपका स्लाइडिंग डोर्स के साथ कबर्ड्स आ गए। दिस इज़ द बाथरूम दैट्स अटैच्ड विद दिस रूम। यहाँ पे हाइलाइटर में आप देख सकते हो सबवे टाइल्स का यूज़ किया गया है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। So the modern part of today's era has been totally incorporated in this house. वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी भी लगेगी आपको। छोटी मोटी attention to details आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो railing है उसका design भी काफ़ी designer दिया गया है।
दिस इज बेडरूम नंबर 5। अगेन वॉट एवर अभी तक आप देखते आ रहे हो जो यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया है, प्रोफाइल लाइट्स होगी, ट्रैक लाइट्स होगी, उसके साथ ही साथ आपका एलसीडी पैनल भी हो गया यहाँ पे। दिस रूम ऑल्सो हैज एन अटैच्ड बाथरूम विद इट। There's a step-in wardrobe as well, इस कमरे में भी, जिसके अंदर आपके पास cabinets, cupboards, plus your dressing area is also there. I beg your pardon. Now let's explore the second floor. वहाँ पे भी सेकंड फ्लोर तक भी आप देख सकते हो कि सेम आपका स्टेयर केस यूज़ किया गया है। अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये स्टेयर केस आपका नॉर्मल आरसीसी स्टेयर केस से 2 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। सो सेकंड फ्लोर पे आप जैसे ही आते हो ये आपका स्टोरेज एरिया आ जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको जो रूफ़ एक्सेस मिल जाती है सेकेंड फ्लोर पर वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी सारी हाउस पार्टीज़ कर सकते हो। यू कैन ईजीली कॉल अप टू लाइक 50 to 60 पीपल ऑन दिस रूफ, और आप बहुत आराम से पार्टी कर सकते हो। इनफैक्ट आई वुड से कि 50-50 बंदों के दो ग्रुप्स यहाँ पे बहुत आसानी से पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारी जगह यहाँ पे मिल जाती है। उसके साथ ही साथ विंटर्स में जब आप यहाँ पे आके ऊपर बैठोगे तो एक बेंच भी बना दिया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं। एरिया जो है वो काफ़ी हरा भरा है। आई विल अगेन शिफ्ट द फोकस ऑन दैट पॉइंट। सारा एरिया ऑलरेडी यहाँ पे बस चुका है। जो ये पर्टिकुलर लैंड है, ये एरिया है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। सो देयर इज़ डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन दिस एरिया। जो यहाँ की मेंटेनेंस है वो सारी गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट बिल्डर का यहाँ पे अब कुछ रोल नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट। तो कोई भी बंदा अगर इस चीज़ के लिए वरिड है कि ये कोई प्राइवेट एरिया है, सो इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। आपका यहाँ पे इस एरिया में डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस दैट इज़ सेफ एंड अ हाउस दैट इज़ सेफ, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज हाउसेज। अगर आप चाहो तो इस पे लोन भी ले सकते हो घर पे, आपको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा इस पे लोन का। बाकी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर सिबिल। प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक अ लोन ऑफ अप टू 1.5 to 2 crores ऑन दिस हाउस। सो आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ लीव अ लाइक, because that would mean a lot to me. Thank you for watching the video. Stay home and stay safe.